हेलो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर. इन कंप्यूटर्स चैप्टर 4, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 वाज गोइंग ऑन. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स टू इंसर्ट अ टेबल इन अ प्रेजेंटेशन. मीन्स प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट करने के टू मेथड्स हमें यहाँ बताने हैं. द आंसर इज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ प्रेजेंटेशन वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब. होम टैब के अंदर हमें एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है एंड देर इज अ ड्रॉप डाउन एरो. न्यू स्लाइड के नीचे ही एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो होता है. वी हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. सिलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. जब आप लोग न्यू स्लाइड के एरो पे क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड जो इंसर्ट होनी है उसका लेआउट पूछता है आपसे वो कि किस तरह का लेआउट आपको चाहिए. सो यू हैव टू क्लिक ऑन टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. ओके, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड. टाइटल एंड कंटेंट लेआउट आपने ले लिया देन आपकी स्लाइड इंसर्ट हो जाती है. आफ्टर दैट इन दैट लेआउट यू विल सी एक आइकन मिलेगा आपको टेबल वाला, टेबल आइकन. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट आइकन एंड यू विल सी टेबल विल कम. ओके, सेकेंड मेथड इज क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, वहां पे टेबल पे क्लिक करेंगे. देन ड्रैग द माउस ओवर द टेबल ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द टेबल. जब हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे तो उसी में हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें बहुत सारे ग्रिड्स बने होंगे. तो हमें जितने भी रोज एंड कॉलम्स चाहिए उतना हम माउस को ड्रैग करेंगे टेबल ग्रिड पे और हमारी टेबल आ जाएगी. ओके, सो दीज आर द टू वेज यूजिंग विच वी कैन इंसर्ट अ टेबल इन पावर पॉइंट. ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेथड टू ऐड रोज इन अ टेबल. टेबल में रोज ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? वी हैव टू प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन अ सेल. जिस भी सेल के ऊपर या नीचे हमें रो लानी है वी हैव टू फर्स्टली प्लेस द इंसर्शन पॉइंट. फर्स्टली हम वहाँ पे डबल क्लिक करके अपना इंसर्शन पॉइंट मीन्स कर्सर वहाँ पे ले आएंगे. देन क्लिक ऑन द राइट माउस, सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो सब ऑप्शन. उसके बाद में जब आप राइट माउस बटन दबाएंगे तो देन यू विल सी देयर इज अ शॉर्टकट मेन्यू. एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा आपके सामने, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फिर उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. तो यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो. अगर आपको ऊपर रोज चाहिए तो यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट रोज अबव और अगर उस सेल के नीचे रोज चाहिए तो यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट रोज बिलो. ओके, सो दिस वे वी कैन ऐड रोज इन अ टेबल. ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल एंड चेंज इट्स कलर. आप लोग अपने टेबल में बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे एंड उसका कलर कैसे चेंज करेंगे. सो द आंसर इज अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल. फर्स्टली लेट अस सी हाउ टू अप्लाई बॉर्डर. बॉर्डर कैसे लगाएंगे टेबल में? क्लिक ऑन द बॉर्डर्स बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. डिजाइन टैब आता है आपका ऊपर. जब हम कोई भी टेबल बना लेते हैं तो हमारे पास ऊपर टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन एंड लेआउट टू टैब्स आते हैं, दिखाए थे मैंने आपको. ओके, तो आप कहाँ पे जाएंगे? डिजाइन टैब के अंदर यू विल सी बॉर्डर बटन मिलेगा आपको. ओके, देन सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन ऑफ द ड्रॉप डाउन मेनू. आप वहां पे जो बॉर्डर वाला आपको बटन मिला है उसी के अंदर यू विल सी ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन. ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन बॉर्डर विल बी अप्लाई टू द टेबल. इस तरह से आपके सारे बॉर्डर आ जाएंगे. नाउ लेट अस सी हाउ टू चेंज इट्स कलर. कलर कैसे चेंज करेंगे? टू अप्लाई बॉर्डर कलर सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन द पेन कलर इन ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. क्या करेंगे हम? टेबल को पहले सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी हमें कलर लगाना है. देन क्या करेंगे? क्लिक ऑन द पेन कलर. जो हमारा डिजाइन टैब है उसके अंदर ड्रॉ बॉर्डर जहाँ पे ऑप्शन है उसमें हम पेन कलर पे क्लिक करेंगे और अपनी मनपसंद का पेन का कलर ले लेंगे. चूज द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द टेबल सेलेक्टेड. हमारा जो पेन कलर हमने लिया उसके अंदर पूरी टेबल प्लेटेड पूरा कलर खुल जाएंगे. कौन सा कलर आपको चाहिए? यू हैव टू चूज द रिक्वायर्ड कलर एंड देन ड्रैग द माउस ओवर द टेबल एंड रिलीज द बटन. उसके बाद आपके पास पेन आ गया. यू हैव टू यूज द माउस एंड क्लिक ऑन द बॉर्डर. जो जहां जहां आपको वो कलर लगाना है यू हैव टू क्लिक द माउस को आप ड्रैग करेंगे टेबल पे एंड देन यू विल सी द टेबल कलर विल बी चेंज. हमारी टेबल का जो कलर है बॉर्डर का दैट विल बी चेंज. ओके, सो दिस वे वी कैन अप्लाई बॉर्डर एंड वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर. ओके,
Now see the fourth question, which is name all the six alignment buttons present on the layout tab. Means layout tab के अंदर जितने six alignment buttons होते हैं, we have to name them. So the answer is six alignment buttons present on the layout tab are as follows. First is align text left, second is center, third is align text right, fourth is align top, fifth is align vertically and sixth is align bottom. Okay? ये हमारे सिक्स अलाइनमेंट बटन्स होते हैं जो कि लेआउट टैब में अवेलेबल होते हैं. इफ वी इंसर्ट अ टेबल देन वी सी दीज अलाइनमेंट बटन. इंसर्ट, हमने टेबल इंसर्ट की तो अलाइन टेस्ट लेफ्ट से क्या होगा, हमारा जो भी कंटेंट है वो लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर से सेंटर में आ जाएगा एंड राइट से राइट में चला जाएगा. दीज थ्री आर क्लियर, ये तो सभी जगह होते हैं, लेफ्ट सेंटर एंड राइट. इसके अलावा आपने जो टेबल इंसर्ट की है उसके हर सेल में आपको जो कंटेंट है वो ऊपर रखना है, सेंटर में रखना है या नीचे रखना है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव थ्री ऑप्शन. आप अगर अलाइन टॉप लेते हैं देन आपका टेस्ट सेल के ऊपर की तरफ आएगा, एंड इफ यू सिलेक्ट सेंटर वर्टिकली देन इट मीन्स ये हमारा सेंटर में आएगा, एंड अलाइन बॉटम से इट विल कम एट द बॉटम साइड. ओके, सो दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टली आपको लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए और राइट में चाहिए, एंड दिस इज फॉर वर्टिकल, टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए और बॉटम में चाहिए. सो दीज आर द सिक्स अलाइनमेंट बटन प्रेजेंट ऑन द लेआउट. क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफरेंशिएट बिटवीन कैटेगरी एक्सेस एंड वैल्यू एक्सेस. सो यू हैव स्टडीड द चार्ट इन दिस चैप्टर. सो इन चार्ट व्हाट इज कैटेगरी एक्सेस एंड व्हाट इज वैल्यू एक्सेस, लेट अस सी द आंसर. कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस यूज टू प्लॉट द मैटर दैट इज कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड. कैटेगरी एक्सेस कौन सा होता है, जो हम चार्ट बनाते हैं उसमें जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस. ओके, एंड वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस इज द वर्टिकल एक्सेस दैट इज यूज टू प्लॉट द वैल्यूज. और वैल्यू एक्सेस में हम लोग वैल्यूज प्लॉट करते हैं, दैट इज द वाई एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस. और कैटेगरी एक्सेस में क्या होता है, जो भी हम मैटर प्रेजेंट कर रहे हैं दैट विल कम इन एक्स एक्सेस. ओके, so this is the difference between category axis and value axis. Now see the question number 6, which is define the term chart. Chart ko define karna hai and name the components of a chart, aur chart ke components batane hain. So here's the answer. Chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. Chart ek effective tarika hai jisko use karke hum apna data graphical and pictorial form mein represent kar sakte hain. They make it easier to show comparisons and growth. रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन. ये हमारे लिए इजी कर देते हैं कि हम इजिली कंपैरिजन, ग्रोथ, रिलेशनशिप, वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं और हम जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में जो डेटा है वो उसकी समरी के फॉर्म में इजिली दिख जाता है पूरा, उसको इजिली देख के हम समझ सकते हैं कि क्या कंपैरिजन है. तो इजिली वी कैन एनालाइज द डेटा, वी कैन मेक द रिलेशनशिप एंड वी कैन कंपेयर and we can get the true value of the every data. Okay, so this is the chart. Now what are the components of chart? A chart has following components. First is chart area, second is category axis, third is value axis, fourth is data series, fifth is category name, sixth is plot area, seventh is legend, eighth is chart title, ninth is grid lines. These all components I have explained in my previous video. Okay, so these are the components of chart. Now the seventh question is how will you delete the default data of a data sheet? हमारे पास कोई data sheet है, अगर suppose हमारे पास जो chart हमने बनाया उसके साथ एक data sheet आती है. Okay, अगर हमारे पास एक data sheet आ गई है उसमें already कुछ data पड़ा हुआ है, then how we will delete that? We have to select the data to be deleted by using the control A key combination. सबसे पहले उसको हमें select करना होगा. Using the control A हमारी पूरी जो शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी. देन वी हैव टू प्रेस द डिलीट की, उसके बाद हम कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करेंगे और सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज एक्सप्लेन द मेथड टू चेंज द चार्ट टाइप. चार्ट टाइप को चेंज करने का क्या मेथड है? आंसर इज टू चेंज द चार्ट टाइप सिलेक्ट द चार्ट, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब ऑन द चार्ट टूल. मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चार्ट को सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद में हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर चार्ट टूल्स बन के आते हैं. चार्ट टूल्स के अंदर हमें डिजाइन टैब पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप बटन इन द टाइप ग्रुप.
डिजाइन टाइप पे हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमें चेन चार्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। ओके, द चेन चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके अंदर हम चेन चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने चेन चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, देन सिलेक्ट एनी चार्ट टाइप एंड क्लिक ओके। इसके बाद हमें जो भी चार्ट टाइप चाहिए उसको ले लेंगे एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे, द चार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। इस तरह से हमारा चार्ट का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो चिल्ड्रन दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।